वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, मिल गया मौका आप लोगों का, और एक मौका और दिया स्टॉक मार्केट में। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के स्टॉक धारक अगर पहली बार आए हैं स्टॉक इंट्राडे टेक मुंबई एमबीए बीके सिंह चैनल पे, तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। अब ये मौका नहीं मिलेगा दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में, और अगर गिरावट सोमवार को होती है, स्पेशल वीडियो आईआरएफसी शेयर धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 30 रुपया 50 पैसा पे अगर जाता है, मिलता है तो ज़रूर खरीदिए, और उसके नीचे 28 रुपया 50 पैसा तक अगर जाता है, उसके नीचे नहीं खरीदना दोस्तों। 28 रुपये 50 पैसा तक खरीदना है, उसके नीचे जाना है तो रोक देना है। याद रखिए, मैं पिछला वीडियो में भी बोला था, आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर 28 रुपया 50 पैसा से नीचे जाता है तो रुक जाना है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले शेयर धारक अच्छी तरह कान खोल कर सुन लीजिए, एक भी शेयर बेचना नहीं, क्योंकि 2023 में डिविडेंड बहुत जल्दी उसका डेट आने वाला है। और अभी देखते रहिए, मार्च के बाद इस स्टॉक में आपको एक मौका और मिलेगा पैसा बनाने का। आईआरएफसी जितना छोटा नाम है आईआरएफसी शॉर्ट में, उतना ही अगर इसका नाम फुल नाम लेंगे तो इसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ये 2021 में इसकी आईपीओ आई थी। इसके साथ एक और आईपीओ आया था AWHCL, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग कॉरपोरेशन, 450 का आईपीओ आया था। आज तक हमें यही समझ में नहीं आया दोस्तों कि सरकारी कंपनियों की जब आईपीओ आती है तो इतने सस्ते, इतने कम प्राइस बढ़ के आता है, लेकिन वही प्राइवेट कंपनियां जब लिस्ट होती है तो इसका प्राइस कैसे बढ़ जाता है, बहुत सोच में हम हैं दोस्तों। आज 17-18 सालों से हमें जवाब नहीं मिला इसका। अपने आप से भी पूछता हूँ कि क्या कारण है प्राइवेट कंपनियों की जब आईपीओ आती है तो भयंकर डबल, 200 का प्राइस है तो 400 में लिस्टिंग होती है, 400 का है तो 1200 में लिस्टिंग होती है। बहुत सारे इस कंपनी को देखे हैं दोस्तों, लेकिन सरकारी कंपनियां जब आती है आईपीओ तो 26 रुपये का स्टॉक है तो 26 रुपया भी नहीं होता है, 25 रुपया हो जाता है। 20 रुपये का स्टॉक है तो 21 रुपया भी नहीं होता है, 20 रुपया 50 पैसा होता है। चलिए, एक ना एक दिन जवाब ज़रूर मिलेगा, और हमें किसी से जवाब मांगने की नहीं ज़रूरत है, हमें अपने आप से खुद ही जवाब एक दिन मिल जाएगा। 3 साल होने दीजिए आईआरएफसी को, फिर जवाब हम खुद ही ढूंढ लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।